हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी। यहाँ पे ये कपड़ा मैंने लिया है, ये डबल फोल्ड में है और यहाँ पे देखिए साइड में ये जॉइंट है, तो यहाँ से हम जॉइंट भी खोल देंगे तो ये हो जाएगा टू पार्ट में। और इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 11 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो भी 11 इंच ही है, ये देखिए। और अभी ये है डबल फोल्ड में, इसके बाद इसको हम ऐसे फिर से फोल्ड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। और अब हम यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाएंगे जो कि लेंगे 2 इंच और नीचे की साइड में हम 1 इंच इस तरह से इसको डीप करके शेप देंगे जो कि हमारा बैक पार्ट के लिए होगा। इस तरह से हम शेप दे देंगे और इसका जो शोल्डर पूरा रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच, तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसका जो आर्म होल लेंगे वो भी हम 4 इंच ही लेंगे, तो यहाँ पे आर्म होल का भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आर्म होल का ऐसे शेप दे देना है और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसको कट कर लिया, इसका जो बैक पार्ट है उसको हम निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट को हमें फिर से ऐसे ही फोल्ड करते हुए रख लेना है। और जो हमारा आगे का नेक रहेगा वो रखेंगे हम, इसकी डीपनेस रखेंगे 3 इंच, तो हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से बॉक्स बनाते हुए यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे पान शेप में भी आप बना सकते हैं या फिर गोल नेक भी बना सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, जैसा भी बनाना चाहें। तो इस तरह से मैंने नेक भी कट कर लिया। अब इसके बाद नीचे की साइड में हम यहाँ पर 1.5 इंच से गोलाई देंगे, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया और इस निशान से हमें नीचे की साइड में ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे गोलाई दे देनी है, ये देखिए। और बाकी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ये मैंने इस तरह से कट कर लिया, इसको अलग भी कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है कुछ कट के रेडी होगा। अब इसके बाद हम हमारा जो ये बैक पार्ट है इसको लेंगे और यहाँ पर इसको हमें ऐसे खोलते हुए रखना है और जो हमारे फ्रंट पार्ट हैं इनको इसके ऊपर उल्टा करते हुए ऐसे रखेंगे। इस तरह से दोनों पार्टों को बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और इसके जो शोल्डर हैं वो हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा के लिया है शोल्डर के ऊपर, ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ये 1.5 इंच चौड़ी उरेब में कटी हुई एक स्ट्रिप ली है, इसको हम यहाँ पे आर्म होल में उल्टी साइड में रखते हुए इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे जब इसको सिलना है तो थोड़ा सा खींचते हुए सिलना है। अब इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से मोटी सी पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इस आर्म होल को बना के रेडी किया है। सेम इसी तरह से ही हमारा ये जो दूसरा वाला आर्म होल है इसमें भी ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों आर्म होल मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद इसमें हम करेंगे साइड फिटिंग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको रख लेना है और यहाँ पे हम साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई लगा के ही लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हमारा ये जो दूसरा वाला साइड है यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड में मैंने ये सिलाई लगा के ले लिया है। अभी इसको हम ऐसे ही उल्टी साइड में रखेंगे और ये स्ट्रिप मैंने फिर से ले लिया है और अब हमें यहाँ पे चारों तरफ से भी यहाँ पे पाइपिंग बना लेनी है। तो इसको हम बैक साइड से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर को फोल्ड करते हुए ऐसे रखेंगे। स्ट्रिप को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसमें हम पूरे में इस तरह से इसको सिलाई लगाते हुए जोड़ लेंगे। तो जिस शेप में मैंने इसकी कटिंग की है सेम उसी शेप में ही इसमें सिलाई लगाते हुए इसको जोड़ते जाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब इसके बाद इसको हम सीधी साइड में करेंगे और ये जो हमारी स्ट्रिप है इसमें हम पाइपिंग बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी मोटी सी इस तरह से पाइपिंग बना के इसको चारों तरफ से सीधी साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो
तो यहाँ पे अच्छे से संभालते हुए गोलाई में जब सिलाई लगाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ ही ये बन के रेडी हो जाएगी, ये देखिए। और यहाँ पे जो हमारा नेक है यहाँ पे हम छोटा सा ऐसे कट लगा लेंगे, और जिस शेप में नेक को हमने कट किया था सेम उसी शेप में इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए यहाँ पे पाइपिंग भी बना के रेडी कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाना है। तो इसी तरह से ही हम पूरे में ये पाइपिंग बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको भी बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारा ऊपर का पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। अभी हमें इसमें बटन लगाने हैं। अब इसके बाद ये हमने और कपड़ा ले लिया है, ये डबल फोल्ड में है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई जो है वो ली है मैंने 11 इंच और इसकी लंबाई है 6.5 इंच। तो यहाँ पे इसको हम फिर से ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये खुला वाला साइड है उस साइड से हम नीचे की साइड में एक निशान लगाएंगे 5 इंच पे। हमारा ये निशान 6 इंच पे आएगा तो ऊपर की साइड में लास्टिक जो हम जोड़ेंगे तो वो हम अलग से नेफा बनाएंगे, और नीचे की साइड में हमने एक निशान लगाया है 4.5 इंच पे, और इस निशान को हमें यहाँ से ऐसे मिला देना है। और यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर की साइड में, ऐसे सीधा करते हुए यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया। अब इसको हम ऐसे खोलेंगे और ये जो दोनों साइड के आसन हैं इनको हम इसी तरह से ही जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा के लिया है, दूसरे साइड में भी हम यहाँ पे डबल सिलाई ही लगा के लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद हम नीचे के साइड में यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे, तो इसको ऐसे खोलते हुए रखना है, ये उल्टी साइड में ही रखा है। और यहाँ पे मैंने ये सीधी स्ट्रिप ली है 2 इंच की, और इसको यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें पाइपिंग बना के इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना के रेडी किया। सेम इसी तरह से ही हम दूसरे वाले साइड को भी बना लेंगे। दोनों साइड मैंने बना लिए हैं। अब इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके आसन के सेंटर मिलाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने डबल सिलाई ही लगा के लिया है। अब इसके बाद ऊपर की साइड में हम नेफा बनाएंगे, तो नेफा के लिए भी मैंने अलग से ही ये 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए रखना है और इसमें हम गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली। अब इसके बाद इसको हम सीधी साइड में ऐसे पलट लेंगे, जितनी भी चौड़ी हमारी लास्टिक है उसी हिसाब से इसको इस तरह से फोल्ड करके ले लेना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ा हुआ है तो यहाँ से हम इसमें लास्टिक डाल देंगे। तो ये लास्टिक जो हमने ली है वो ली है 12 इंच की, और इसको इसमें हम डाल के इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने नीचे की पैंट भी बना लिया है, और ये हो गया हमारा ऊपर का पार्ट। इसमें अभी हम बटन लगा लेंगे और ये जो हमारी ड्रेस है ये बन के कम्प्लीट हो गई है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।